हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कुसुम्स किचन। मैं हूँ वंदना और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बॉम्बे चौपाटी स्टाइल का ये वेज सैंडविच की रेसिपी। आई होप रेसिपी आपको पसंद आएगी। बॉम्बे चौपाटी स्टाइल का वेज सैंडविच अगर आपने भी खाया है और खाते वक्त अगर आपने ये सोचा है कि बना किस तरह से, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी घर पे बना लेंगे। शुरू करते हैं हम ये सैंडविच बनाना। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करते हुए जाइएगा, बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं हम ये वेज सैंडविच बनाना। बॉम्बे चौपाटी स्टाइल वेज सैंडविच बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसी स्टाइल में बनानी है इसकी स्टफिंग। तो स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन में मैंने ले लिया है बटर 1 स्पून। जैसे ही हमारा बटर गर्म होता है हम इसके अंदर डालेंगे 1 स्पून राई और ब्लैक मस्टर्ड सीड्स। जैसे हमारी मस्टर्ड क्रैक होती है, यहाँ मैंने 3 से 4 ग्रीन चिलीज बिल्कुल बारीक चॉप करके रखी हुई थी वो डाल दी है, और साथ ही में 1/2 स्पून जिंजर यानी कि अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। बस इन सारी चीज़ों को हम सौते कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखा हुआ है। सोते करने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है बॉईल किए हुए 4 उबले हुए आलू। आलू को उबाल के मैंने स्किन हटा दी थी और उसके बाद कर लिया था इन्हें कद्दूकस। और उसके बाद हमने इसमें डाल दिए हैं उबले हुए आलू, और ये जाता है 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आता है। हल्दी पाउडर बिल्कुल मस्ट है, ज़रूर डालें। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। आलू की जो हम ये स्टफिंग बना रहे हैं, आप इसे कभी आलू के पराठे बनाने में भी यूज़ करें। आलू के पराठे जब हम बनाते हैं तो उसमें जो स्टफिंग आलू की डाली जाती है, उसमें ये वाला भी कभी ट्राई करें, बहुत ही अच्छे आपके आलू के पराठे बनेंगे। मैं बहुत सारी बार आलू के पराठे इस तरह से भी स्टफिंग बना करके बनाती हूँ। 1 मिनट के बाद हमने यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया है। हरा धनिया जैसे ही हम इसमें डालेंगे बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन वैसे भी काफ़ी अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं गाइस बहुत ही अच्छा ये दिख रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि अभी तक हमने नमक नहीं डाला था। सो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा डालें। मेरे पास कैंड मटर रखे हैं जो पहले से ही कुक होते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच। जब हमने आलू को कद्दूकस करके इस पैन के अंदर डाला था, उसी वक्त अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो वो डालें, जो बहुत अच्छे से इसके साथ कुक हो जाएंगे। मैंने इसमें डाला है 1/4 स्पून चाट मसाला। चाट मसाला अगर आपके पास है तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सैंडविच के साथ में चाट मसाला बहुत ही अच्छा लगता है। मिक्स कर लिया है हमने सारी चीज़ों को, स्टफिंग रेडी है हमारी। गैस को बंद करके हम इसे ठंडा होने देंगे। और यहाँ बनाते हैं ग्रीन चटनी यानी कि हरे धनिया की तीखी चटनी। 1 बंडल हरा धनिया मैंने ले लिया है। धनिया के सिर्फ पत्ते नहीं लिए हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने स्टेम्स भी ली हैं। और यहीं पर मैंने डाल दिया है थोड़ा पुदीना यानी कि मिंट, क्योंकि धनिए और पुदीने की चटनी है सो मिंट भी इसमें जाता है। साथ ही में 1/2 स्पून मैंने इसमें डाला है क्यूमिन सीड यानी कि जीरा। 1/2 स्पून मैंने डाला है इसमें नमक। ये है 1/2 स्पून चाट मसाला। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे इसे तीखा करने के लिए हरी चटनी। कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चिली कुक कर सकते हैं। गार्लिक डाला है मैंने 3 क्लॉव यानी कि लहसुन की कलियां 3। और ये है जिंजर यानी कि अदरक का टुकड़ा अराउंड 1 इंच। साथ ही में हमारी चटनी को बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन रखने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3 आइस क्यूब्स। जब हम चटनी को ग्राइंड करते हैं तब वो हीट से गर्म हो जाती है, उसका कलर डार्क हो जाता है, उससे हमारी चटनी को ये बचाएगा आइस। आप देख सकते हैं मैंने ग्राइंड कर लिया है चटनी को और ये बिल्कुल फ्रेश एकदम बहुत ही कलरफुल हमारी चटनी बनकर के रेडी हुई है। इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी चटनी जो है वो ठीक है तो उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस चटनी को आप किसी भी स्नैक्स, स्टार्टर, पकोड़े या सैंडविच या किसी भी चाट में बहुत ही अच्छे से सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। चलिए अब हम बनाते हैं सैंडविच। तो सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ब्रेड स्लाइस ले ली है। आप चाहें तो इसकी साइड्स को हटा सकते हैं, बट मैंने इसे एज इट इज़ यूज़ किया है। और इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर रही हूँ थोड़ा बटर। बटर आपको
दो स्लाइस हम यूज़ करेंगे एक बार में, तो एक स्लाइस पर आपको दोनों तरफ लगा देना है और जो सेकंड वाली स्लाइस है उस पर हम सिर्फ एक तरफ लगाएंगे, जैसा कि अभी मैं कर रही हूँ। एक तरफ हम बटर लगा देंगे और दूसरी तरफ हम लगाएंगे इसके ऊपर जो हमने हरे धनिए की और मिंट की चटनी बनाई है ना, वो हमें लगानी है ताकि हमारा जो सैंडविच है वो एकदम चौपाटी स्टाइल स्पाइसी तीखा बने। आप चाहें तो सैंडविच में एक ब्रेड पर इस तरह से चटनी लगा सकते हैं और दूसरे वाले पर आप टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं, बट मैं प्रेफर कर रही हूँ बटर को और मैं बटर ही लगा रही हूँ। और इसके ऊपर हम प्लेस कर देंगे जो हमने स्टफिंग बनाया था आलू का। मेक श्योर करें आलू की स्टफिंग ठंडी होने के बाद ही आप इस पर लगाएं। इसकी जो फिलिंग है हम अच्छे से करेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट मैं काफ़ी अच्छे से इसकी फिलिंग कर रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पर अनियन नहीं खाते, यानी कि प्याज और लहसुन नहीं खाते, तो वो बिना प्याज और बिना लहसुन के भी इसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने काट करके और टमाटर रखे हुए हैं कुछ छोटे छोटे, उसे मैं इस तरह से स्प्रेड करूँगी। आप चाहें तो इसकी स्लाइस भी लगा सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ चंक्स को, सो मैंने इसके चंक्स काट के रखे थे। यहाँ पर है अनियन यानी कि प्याज, जो बहुत ही अच्छा लगता है किसी भी चाट या सैंडविच के साथ। यहाँ है मेरे पास भुना जीरा जो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है थोड़ा सा, लाइक दो चुटकी। और ये है कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च जो मैंने बहुत छोटे काट के रखे हुए हैं, और इसके ऊपर हम प्लेस कर देंगे जो हमारी फर्स्ट वाली ब्रेड थी जिस पर हमने दोनों तरफ से लगाया था बटर। अच्छे से प्लेस कर दें। यह है मेरे पास सीसमे सीड यानी कि तिल सफ़ेद वाले, और इसके ऊपर मैंने थोड़े से तिल डाले हैं और इसके ऊपर हम लगा देंगे। नाइफ़ को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे तो ये सब इससे चिपक जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा और यूनिक टेस्ट लेके आते हैं हमारी सैंडविच में। तवा मेरा गर्म हो चुका है और इसके ऊपर मैं प्लेस कर दूंगी, हमने जिस तरफ तिल लगाया था उसे पहले प्लेस करेंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और विद इन 30 सेकेंड हम इसे टर्न कर लेंगे। जो टॉप वाली जगह है इस पर भी मैं थोड़ा सा सीसमे सीड डाल रही हूँ और इसे भी हम नाइफ से स्प्रेड कर लेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, और जब ये टोस्ट होते हैं ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये है एक प्लेट मेरे पास, इससे मैं ऊपर रख के थोड़ा सा सैंडविच को दबा दूँगी ताकि वो अच्छे से एक दूसरे के साथ चिपक जाए, बैठ जाए प्रॉपरली। और अगर आपके पास टोस्टी है घर पे तो आप उसके अंदर भी ये सैंडविच बना सकते हैं, बट हर घर में टोस्टी अवेलेबल नहीं होता है, सो मैं आज आपको तवे के ऊपर बना करके दिखा रही हूँ। आप देख लें कितना परफेक्ट इसका कलर आया जब मैंने इसको 30 सेकंड के बाद फ्लिप कर दिया है, और उसके बाद सेम प्रोसेस आपको दूसरी तरफ भी करनी है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से हमारा जो सैंडविच है वो काफ़ी अच्छे से कुक हो चुका है, एकदम क्रिस्पी हो चुका है, और इसे हमने सिर्फ 1 मिनट में ही टोस्ट कर लिया है। अगर आप इसे अनअटेंडेंट छोड़ देंगे तो ये जल भी सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। बाहर निकाल लिया है मैंने, अब मैं इसे कट करके आपको दिखा दूँ। बहुत क्रिस्पी है और काफ़ी गर्म है इस वक्त। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। आप लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं वीडियोस को, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सैंडविच हमारा बिल्कुल परफेक्टली रेडी है, ये आप देखें बहुत अच्छे से कुक हुआ है, और इसकी जो फिलिंग है वो भी आप देखें कितना अच्छे से इसमें कलर है, एकदम सारे कलर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब हम इसकी करते हैं प्लेटिंग चौपाटी स्टाइल में, तो एक प्लेट में रख करके। ये है मेरे पास मोज़रेला चीज़ जो इसके ऊपर मैं ग्रेट कर रही हूँ, इससे आपका लुक और कलर सब कुछ चेंज हो जाता है, और जो हल्के से इसके ऊपर गर्मा गर्म सैंडविच के ऊपर हम इसे ग्रेट कर देते हैं तो वो बिल्कुल थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है, बहुत डिलीशियस लगता है। ये जाता है कटा हुआ अनियन यानी कि प्याज, और यहीं पर मैं साथ में इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़े टमाटर कटे हुए, थोड़ा सा कटा हुआ शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम ग्रीन। यह है चाट मसाला जिसके बिना बिल्कुल अधूरा रह जाता है हमारा सैंडविच। और अब हम इसे सर्व करेंगे हरे धनिए की चटनी जो अभी हमने बनाई थी उसके साथ, और टोमेटो केचप के साथ। आप भी जाएं अपने किचन में और बना लीजिए गर्मा गर्म चौपाटी स्टाइल वेज सैंडविच।
Thanks for watching.